मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बीएसबी फैमिली। सो बाइक को लिए 2 हफ्ते हो गए हैं और 2 हफ्ते में हमने बाइक को 792 मतलब अभी कुछ किलोमीटर्स में 800 किलोमीटर हो जाएगा, तो इतना गाड़ी को राइड कर दिया। बाइक को फर्स्ट सर्विसिंग 500 किलोमीटर या फिर 750 किलोमीटर में करवाना था। हम यहाँ पे थोड़े से लेट हो गए और गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चल गई, बट कोई बात नहीं, आराम से चली है। और यहाँ से 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे हीरो मोटो क्रॉप धनानी मोटर सर्विस सेंटर, जहाँ पे इस बाइक का सर्विस होगा। 1:10 बाकी है और अब भी निकल रहे सर्विस सेंटर के लिए। अब पता नहीं सर्विस के लिए हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। वैसे 2 घंटे में तो सर्विस हो जाता है, तो टाइम का कोई इश्यू तो है नहीं, टाइम बहुत है। हाँ, नंबर आया नहीं अभी तक। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी नई बाइक लेंगे तो आपके साथ उसका एक सर्विस बुक मिलता है और उसमें पूरे सर्विसिंग के डिटेल दिए गए रहते हैं। तो सर्विस बुक में से एक फर्स्ट क्या बोलते हैं पावती फट चुका है, चलेगा यहाँ पे साइन। तो यहाँ पे देख लो अपनी बेबी टाइगर की हालत जो है ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है, बस मिट्टी की वजह से थोड़ा सा इतना गंदा लग रहा है और ये साइड से भी गिरा है, मतलब यहाँ पे भी स्क्रैच आए हुए हैं और वो साइड भी है। तो इंश्योरेंस में से भी इसका हैंडल चेंज करना है मुझे और कुछ नहीं, पर इंश्योरेंस में इसका इंजन चेंज हो जाए, मतलब 200 का बजाय 400 cc मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। ऐसा कोई बाइक है हीरो का जो 400 cc का इंजन नहीं है ना, जैसे डोमिनार जैसे नहीं है ना, लास्ट एक्सपल से 200 cc ठीक है यार, एवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो भाई साहब नोट डाउन कर रहे, तुम्हारा नाम क्या है? यश। तो क्या बना रहे हो? जॉब कार्ड बना रहे हो? यस, जो ऑनलाइन हो रहा है इनके टैब में हो रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पे बाइक जा चुकी है सर्विसिंग के लिए। सर्विस होने से पहले सबसे पहले उन्होंने बाइक को वॉश किया, जो नज़र के सामने ही है और दिखा दूँ, और मतलब नई बाइक है, पहली सर्विसिंग है, तो ज़्यादा कुछ बाइक में होगा नहीं, हार्डली जो चेंज करेंगे ऑयल चेंज करेंगे, बाकी एवरीथिंग ओके। और बाकी जो मैंने अब तक ऑफ रोडिंग में जो भी मैंने तोड़ताड़ किए वो इंश्योरेंस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी बेबी टाइगर जिसका यहाँ पे फर्स्ट वॉशिंग हो रहा है सर्विस सेंटर में, अब तक बाहर पता नहीं मैं कितने बार वॉशिंग करा लिया रहेगा। ये रही सामने अपनी बेबी टाइगर जिसका फर्स्ट सर्विसिंग हो गया, जिसमें खाली ऑयल चेंज किया है और कुछ नहीं, बाकी A1 गुड, सिर्फ बाकी हमने बाइक को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और यहाँ पे सर्विसिंग रिस्टार्ट किया कि नहीं? हाँ, रिस्टार्ट कर दिया और एग्जैक्ट देखिए 800 किलोमीटर पे बाइक सर्विसिंग हुआ है, ग्रेट। सो अब मुझे इसमें एक जो दिक्कत, मतलब एक जो मुझे शॉर्ट आउट करना है वो है इसमें, वो है मुझे डबल स्टैंड मुझे इसमें लगाना है। ये है कि डबल स्टैंड लगाने के बाद ऑफ रोडिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, लट जाता है ऑफ रोडिंग में, ये भी निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाड़ी जितना लाइट वेट रहता है उतना हवे में रहता है। यहाँ वहाँ गाड़ी में स्क्रैचेस दिख रहे हैं, मैं सोचा इंश्योरेंस में डाल दूँ, लेकिन इंश्योरेंस में डालने के बाद बाइक को यहाँ पे 15 दिन रखना पड़ेगा, इसको फिर देखने आएंगे कि कहाँ पे क्या है, चलो जान दो, उससे अच्छा गाड़ी को और चलाते, ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं है। सो बस मुझे एक ये छोटी सी चीज़ चेंज करना था, मतलब अपडेट करना था, जो इसमें पिछली बार टूट गया था जो वहाँ पे है, सो इसकी वजह से हैंडल का लुक जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये मैं दोनों साइड ऐड करवा लेता हूँ, बाकी ऑल गुड। और चलाते हम यहाँ पे फेविक्यूब क्यों रखा है, फेविक्यूब से? अच्छा, इसमें फेविक्यूब लगाया है क्या? अच्छा, मैंने टच नहीं किया, पकड़ना इसको। सो यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से कोई बारिश नहीं थी, जैसे हमारी बाइक रेडी हो गई वहाँ पे खड़ी है और हम घर जाने के लिए रेडी हुए, वैसे दबादब लो बारिश चालू। अभी ये लगता नहीं कि जल्दी बारिश जाएगा। मुझे बिल बुक तो मिला है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और कहाँ गया गेट पास, नहीं तो गाड़ी बाहर नहीं जाने देगी, जेब में ही है। ओके, ये सीट भीग गया है, सिर्फ पता ना अभी क्या भीग जाएगा। ओके चलो, ये गाड़ी चालू क्यों रखा, बैटरी लो हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं, एक और बेबी टाइगर, ये लीजिए बबलू सिंह, हाँ यही नाम है मेरा आधार कार्ड वाला। बाइक की यहाँ पे टोटल सर्विसिंग हो गई और टोटल जो सर्विसिंग में पैसे गए हैं वो मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ, वो जो पैसे हैं 582 पे गए हैं, जिसमें सबसे महंगा जो था वो था इंजन ऑयल, जो हीरो का ही इंजन ऑयल इसमें डाला है 380 रुपये का। और मैंने एक नया लीवर यहाँ पे बोला चेंज करने के लिए, लीवर और एक ये, जिसके वजह से अब ये बाइक जो है पूरा सेट लग रहा है अच्छा। और इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया, अब वो 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिया, बने रहिए, बताएंगे आपको।
पे बाइक हमारी सर्विस होगी, तुम नहीं चलाओगे। हेलमेट पहनाए हमने, और यहाँ पे आज मिले हमारे चिन्मय भाई से, जो आए यहाँ पे। पहले बाइक आगे ले लो आप, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 से 4 बार गिरा हूँ, आज ये भी बच गए थे। सब एक मीटिंग में थे, मीटिंग कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। भाई के घर बाजू में है, तो जस्ट अभी आए थे, ये बात बात किए, थोड़ा प्लानिंग कर रहे थे। टायर का सर्विसिंग हो चुका और वो वहाँ पे है, और आज हम निकाल रहे हैं अपनी ब्लैक परी। सो इसे भी चलाना ज़रूरी है, वरना रखे रखे कब बैटरी लो हो जाए, जो होता नहीं है। वैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है भाई। जाने दो मुझे। अंकल कहाँ जा रहे हो आप? इधर, वेरी गुड, वरना दिक्कत हो जाती थोड़ा सा। मेरे जिम के पास तो जगह भी नहीं है बाइक रखने की, चैन के घर पे रख के जाऊंगा। जब तक अपने पास ब्लैक परी है तब तक इसको राइड करते रहूं, चलाते रहूं, वीडियो जितने हो सके उतने बना के आपको दिखाते रहूं। वो कार आवाज करने लगा भाई। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे चप्पल दिख रहे हैं। वैसे भी भाई हर किसी भी जिम में चप्पल अलाउड है नहीं। 2-3 दिन में बहुत जोश में आया, तो मतलब शूज वीज कैरी करके आ रहा था, लेकिन उसे लाना और लेके जाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैं भी बिना शूज का ही अंदर सभी के साथ वर्कआउट कर लेता हूँ। यस ये दोनों काफ़ी अच्छा टिप्स देते हैं मेरे को। पहले अच्छा बॉडी था ना, अभी भी अच्छा खासा है, मेरे से अच्छा है इसका बॉडी। टाइम के बाद ये वाला हेलमेट निकाला मैंने राइड करने के बाद। ये हेलमेट पहनने के बाद ना यार, इसकी जो फिटिंग है ना यार, उससे मुझे एकदम प्यार हो चुका। मतलब इसका फिटिंग कान गाल सब दबा देता है ऐसे, मतलब कोई गोरी अपना गाल ऐसे दबा के रखी हो ना, वैसा लगता है। अच्छा हेलमेट है ये। बट ये रहा हीरो, अपना फर्स्ट सर्विस का बिल यहाँ पे आ चुका है, कितना सर्विस हुआ। तो यहाँ पे सब डिटेल दिए गए हैं। सबसे जो महंगा है वो है ऑयल, इंजन ऑयल, और उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 335, जिसमें ये 30-30 दो बार GST ऐड हुआ है, और GST ऐड होने के बाद वो हो गया है 380। तो मुझे GST के बारे में बिल्कुल नॉलेज है नहीं, क्योंकि अपना कोई बिजनेस है ही नहीं है GST वाला, कि हम वो GST का कुछ हमें फ़ायदा हो। लेकिन भाई दिन रात हम भी GST भर रहे हैं, जहाँ खाने जा रहे हैं वहाँ पर GST दे रहे, कॉफ़ी का भी GST दे रहे, चाय का भी GST दे रहे। हम जहाँ जाते हैं भाई वहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन GST देना पड़ता है। लेकिन ये GST का फ़ायदा हमें कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमारा GST का बिल बहुत आ रहा है। यस, मैंने अभी तक जितने भी सामान लिए, GoPro भी है, मेरा कैमरा भी है, वो लैपटॉप का SSD हार्ड ड्राइव है, वो भी GST का है। सो GST यहाँ पे 47 दो GST कट चुके हैं, और जो अपना बिल गया टोटल बिल गया है जो 444 है, ये अपना टोटल वैल्यू निकला है यहाँ पे। उसके बाद इसमें GST देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है, 87 GST टोटल हो गया 531। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 49, जो मैंने आपसे कहा था कि 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है। सो जो 50 रुपया लिया गया है वो 50 रुपया है वॉशिंग करते टाइम जो शैम्पू यूज़ करते हैं, और सर्विस करते टाइम जो ग्रीस ऑयल यूज़ करते हैं उसका 50 रुपया लिया गया। बाकी जो लेबर चार्ज है वो एकदम आपका फ्री है। और मैंने बाइक में दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कराया, जो आपने देखा हैंडल में एक छोटा सा वो, और एक लीवर जो बैंड हो गया था। ये इंश्योरेंस में क्या देना है, उसमें 15 दिन लग जाता है, और 15 दिन में क्या करता है, उससे अच्छा है मैंने अपने पैसे के डाल दिया। अगर मैं ये दो चीज़ को माइनस कर दूँ तो मेरा जो लेबर चार्ज है वो जाता है 380 ऑयल का और 50 रुपया। 380 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 400, मतलब 430 रुपये का हमारा बिल बनता है यहाँ पे। तो कैसा है अभी आप ये बताइए, ऑयल लगता है कि ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है ना, लेकिन नहीं जो भी है ठीक है। बाहर भी वैसे आप ऑयल लेने जाएंगे तो आपका अराउंड लाइक 260 या 270 एक स्टार्टिंग ऑयल प्राइस रहेगा, जब डिपेंड कि आप कौन सा ऑयल बाइक में डालते हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कब, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बाइक के ऊपर, जब राइड करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑयल बेहतरीन है, कौन सा फिल्टर बेहतरीन है। ओके, सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जस